हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी लेकर हाजिर हो गए हम निफ्टी ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, आज की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी आसान है कि अगर किसी छोटे से बच्चे को भी समझा दिया जाए तो वो भी आराम से करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल है। स्टॉप लॉस अगर आपका हुआ तो बहुत छोटा होगा। तो हम दिनों दिन आप लोगों को और आसान हो ऐसी स्ट्रेटजी रिसर्च कर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओ, आप लोगों को स्टॉक मार्केट में डर ना लगे, आप लोगों को यहाँ अच्छा खासा मुनाफा हो और अपने सारे सपने आप स्टॉक मार्केट से पूरा कर सके, इसके लिए हम मैजिकल ट्रेडिंग चैनल में हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ और आसान और कुछ और एक्यूरेट ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आए जिससे आप लोगों का अच्छा खासा मुनाफा हो। फ्रेंड्स, आज की स्ट्रेटजी भी कुछ इसी तरह से है। अगर कोई डेडिकेटली इस स्ट्रेटजी को पकड़कर प्रैक्टिस करेगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट का एक ही नियम है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते चले जाओगे। दोस्तों, जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी देखते हैं, हम हर बार ये चीज बताते हैं, जब भी आप देखते हैं तो देखने के बाद में तुरंत मोबाइल या लैपटॉप जो कुछ भी है आप तुरंत चार्ट ओपन करके चेक करिए कि क्या हमने जो बताई है या आपने जो देखी है स्ट्रेटजी वो सही जा रही है या नहीं। तो देखने पर आपको पता चल जाएगा कि यस, अगर सही जा रही है तो चालू मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से पेपर ट्रेड करिए कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, और जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो मात्र एक लॉट से आप ट्रेडिंग करिए। फिर आप एनालिसिस करिए एक महीने बाद कि एक लॉट से क्या आपको मुनाफा हुआ है और कितना हुआ है। अगर वो सही गया तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। ये पद्धति इतनी आसान है। जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो स्टॉक मार्केट से बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, वो लोग ये पद्धति को अपनाते नहीं है। दोस्तों, ये काफी सिंपल है और सिंपल से सिंपल हमारे चैनल पर आपको ढेरों स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, उसी में से आज की भी एक है। फ्रेंड्स, आज की स्ट्रैटेजी हम निफ्टी ऑप्शन की इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको दिन में 50 पॉइंट से 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप इसे ध्यान से करते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी ही आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को बदल कर रख सकती है। तो बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी हम बोर्ड पे समझेंगे, फिर ऑन स्क्रीन भी देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, सेटअप क्या रहने वाला है वो सबसे पहले देख लेते हैं। आपको ऑप्शन का कोई सा भी चार्ट लेना है, कोई भी प्रीमियम का चार्ट लेना है, हो सके तो 150 के ऊपर का ही लीजिए, 150 से 200 के बीच का, 200 से 250 का है तो और भी अच्छा है, 250 से 300 के बीच का है तो और भी अच्छा है। आप निफ्टी ऑप्शन के प्रीमियम का कॉल या पुट का चार्ट लगा लेंगे और टाइम फ्रेम उसमें रहेगा 5 मिनट का। इंडिकेटर लगाना है आपको VWAP। फ्रेंड्स, VWAP के विषय में बताएं, ये इंडिकेटर स्पेशली इंट्राडे के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, इंट्राडे में ही ये दिखाई देता है, एक दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड लगाइए ये दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज, स्पॉट के चार्ट पे भी ये दिखाई नहीं देगा, ये आपको सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पे नजर आएगा। तो प्रीमियम के चार्ट पर आपको VWAP लगा लेना है डिफॉल्ट में, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। दूसरा इंडिकेटर लगेगा MACD। MACD भी डिफॉल्ट में रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब है कोई छेड़खानी बदलाव नहीं करना है, जैसा है तैसा ही रहने देना है। तो फिर से एक बार पूरा सेटअप देख लेते हैं। आपको ऑप्शन का कोई सा भी चार्ट लेना है, प्रीमियम का या वो कॉल का हो, पुट का हो, जो भी आपको सुलियत लगता है, सही लगता है, ऐसा प्रीमियम आप उठा लीजिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर इंडिकेटर लगाएंगे VWAP को डिफॉल्ट में रखना है, दूसरा इंडिकेटर लेंगे MACD,
और वो भी डिफॉल्ट में रहेगा। बस इतनी सी सेटिंग है। अब आप सोचिए दोस्तों कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, एक मिनट भी नहीं लगेगा यह सेटअप लगाने में, एक मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है ना वो इतना कमाल का होता है, इतना कमाल का कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो अगर ये सेटअप लग जाता है उसके बाद कैसे बाय करेंगे, सेल करेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स ये समझाने के लिए एक चार्ट हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया है। कुछ भी डाउट होता है टेंशन नहीं लेना, ऑन स्क्रीन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर चार्ट है जिसमें कैंडल्स बने हुए हैं, वीवैप लगाया जो ब्लू लाइन से हमको दिख रहा है, ब्लू लाइन से, ये सिर्फ समझाने के लिए। इसलिए नीचे है एमएससीडी, एमएससीडी में हिस्टोग्राम होता है, लेकिन हिस्टोग्राम का हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में कोई काम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ दो लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो रेड कलर की लाइन होती है उसे कहते हैं सिग्नल लाइन, एमएससीडी में जो रेड कलर की लाइन होती है उसको कहते हैं सिग्नल लाइन, जो ब्लैक कलर की लाइन होती है उसे कहते हैं एमएससीडी की लाइन। तो दोस्तों ये दो लाइन पर ही हमको सिग्नल मिलने वाला है। कैसे, जब सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके ब्लैक लाइन जो एमएससीडी की लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर चढ़ जाए, जैसे कि यहां पे हुआ है, तो हमको बाय सिग्नल मिलता है। तो अगर हमको एमएससीडी ने बाय सिग्नल मिला है तो ऊपर में वी वैप को नीचे छोड़कर कोई भी कैंडल ऊपर निकल जानी चाहिए, तो हमको वहां पे कंफर्मेशन हो जाता है बाय सिग्नल का। जैसे यहां पे तो सिग्नल मिल गया लेकिन यहां पे वीवैप को टच किया हुआ कैंडल, तो हम यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही इस लाइन को छोड़कर ऊपर निकल गया तो ये हमको बाय सिग्नल मिल गया। तो दोस्तों बाय सिग्नल मिलने के बाद हम वीवैप पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके दो पॉइंट नीचे, वीवैप के दो पॉइंट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार बता दे बाय सिग्नल कैसे मिलता है, जब सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करते हुए ऊपर की ओर एमएससीडी की लाइन निकल जाती है, जब रेड लाइन को क्रॉस ओवर करके ब्लैक लाइन निकल जाती है तो बाय सिग्नल मिलता है। लेकिन हमें वीवैप को चेक करना है, वीवैप के ऊपर निकल जाना चाहिए मार्केट, मींस उस लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर निकल जाए तो हमको बाय सिग्नल मिलता है। और स्टॉप लॉस हमको लगाना है वीवैप के दो पॉइंट नीचे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट उठाएंगे। अब हम सेल का देख लेते हैं। दोस्तों सेल में क्या होता है कि एमएससीडी की लाइन के ऊपर में सिग्नल लाइन चल जाती है, मींस ब्लैक लाइन के ऊपर जब रेड लाइन चले जाती है, जैसे यहां पे, अब यहां पे हमको सेल सिग्नल मिल गया है। लेकिन हम सेल सिग्नल को कंफर्मेशन तब करेंगे जब वीवैप को पूरी तरह से छोड़कर मार्केट नीचे उतर जाएगा। जैसे सिग्नल तो यही मिल गया था लेकिन यहाँ पे आधी कैंडल कटी हुई थी वीवैप पे, हम ऐसी जगह पर ट्रेड नहीं लेंगे। ये फिर से एक बार बताता हूं, जहां पे कैंडल कटी हुई है वहां ट्रेड नहीं लेंगे, जहां पे लाइन को छोड़कर वो निकल जाती है जैसे ये यहां पर, तो हमको सेल सिग्नल मिलता है। ये यहां पे हमको सेल सिग्नल मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लगा देंगे हम वीवैप के दो पॉइंट ऊपर में और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर से बता देते हैं शॉर्टकट में कि आपको डिफॉल्ट में लगा देना है वीवैप और एमएससीडी। पांच मिनट का चार्ट रहेगा प्रीमियम का, कॉल ले लो पुट लो जो भी लो मार्केट के हिसाब से आप ले लीजिए। जैसे ही सिग्नल लाइन के ऊपर एमएससीडी की लाइन निकलती है, रेड लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन निकलती है, हम क्रॉस चेक करेंगे वीवैप के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, तो हम बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे वीवैप के दो पॉइंट नीचे। और फिर सेल सिग्नल हमको मिलता है जब सिग्नल लाइन एमएससीडी की लाइन के ऊपर चल जाती है, ब्लैक लाइन के ऊपर रेड लाइन आ जाती है, वीवैप को छोड़कर नीचे मार्केट उतर जाता है, तो हमको सेल सिग्नल मिलता है। स्टॉप लॉस वीवैप के दो पॉइंट ऊपर लगा देंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट उठाएंगे। फ्रेंड्स तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी, हमने बोर्ड पर समझ लिया, ऑन स्क्रीन भी देख लेते हैं। लेकिन कुछ बात आप लोगों से करना चाहते हैं, अगर आप ब्रोकरेज से परेशान हो तो पेटीएम मनी ने बहुत अच्छा ऑफर अभी रखा है, सिर्फ ₹10 चार्ज कर रहे हैं पर ऑर्डर फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों ₹10 फ्यूचर एंड ऑप्शन काफी अच्छा माना जाता है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए और सिर्फ एक ट्रेड करके हमारे साथ हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और अगर आप जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है,
वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए और मात्र एक ट्वीट करिए और हमारे साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों चलिए हमने बोर्ड पर समझ लिया, अब ऑन स्क्रीन देख लेते हैं ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमने 16,950 का कॉल का चार्ट उठा लिया है निफ्टी में से। अब हम इसमें इंडिकेटर लगा लेते हैं वी वैप, जो कि डिफ़ॉल्ट में ही रखना है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ब्लू में ताकि क्लियरली नज़र आए। उसके बाद हम इंडिकेटर ले लेंगे MACD, और MACD को भी डिफ़ॉल्ट में ही रखना है, कोई चेंजेस इसमें करना नहीं है। ये हमारा सेटअप तैयार है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी इतनी कमाल की ना, आप देखकर इसे खुश हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पे हमको सिग्नल मिला जब लाइन के ऊपर चढ़ गया, लेकिन MACD ने थोड़ा लेट सिग्नल दिया, तो जहाँ पे दिया वहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, है ना, तो ये देखिए यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बाय करते हैं जहाँ पे MACD ने सिग्नल दे दिया है, तो इसका स्टॉप लॉस आप नोटिस करिए। हमको स्टॉप लॉस लगाना है वी वेब के नीचे 2 पॉइंट में, तो मात्र 7 से 10 पॉइंट के बीच का स्टॉप लॉस है, इतना छोटा स्टॉप लॉस है। अब इसका प्रॉफिट का आप रेंज देखिए, 100 पॉइंट। तो दोस्तों 100 पॉइंट कोई कम नहीं होता है, वो भी निफ्टी में 50 का लॉट है, निफ्टी में 50 का लॉट है और 100 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ऊपर में लाइन के ऊपर चल गया वीवैप की मार्केट, और नीचे भी MACD ने सिग्नल दिया है कि सिग्नल लाइन के ऊपर MACD की लाइन आ गई। सिर्फ ये देखिए 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपको देखिए 80 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये देखिए सेल साइड पर भी जब भी वीवैप के लाइन से नीचे उतरी और सिग्नल लाइन ऊपर चल गई, MACD की लाइन को सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस छोटा सा लेकिन प्रॉफिट 80 पॉइंट के आसपास का, ये छोटा नहीं होता है। और अगर ये छोटा प्रॉफिट भी देता है, ये कंडीशन हमको मिलती है, तो छोटा प्रॉफिट भी अगर हमको मिला तो मिनिमम 20 पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। जैसे ये यहाँ पर ये लाइन के ऊपर चला गया है मार्केट, और इधर भी MACD ने भी पहले ही दे रखा था सिग्नल, स्टॉप लॉस एकदम छोटा 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमको मिलेगा। और ये देखिए 20-21 पॉइंट का हमको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जब भी आपको ये कंडीशन मिल रही है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इससे सिंपल क्या हो सकता है, इससे सेफ क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या हो सकता है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी की आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी कर देना, और कमेंट जरूर करना कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी हमारे चैनल में देखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।